ब्रेकअप से डिप्रेशन एक केस स्टडी, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक लड़के को उसके पिताजी ने मेरे पास में लाया। पिछले 6 महीने से ये लड़का 23 साल का है अप्रॉक्सीमेटली, घर में बैठा हुआ है, किसी से बातचीत नहीं करता, मिलना जुलना बंद है। कोई घर में आ गया तो उनके साथ में बातचीत नहीं करता, स्नान करने के लिए बहुत पीछे लगना पड़ता है, खाना खाने के लिए बहुत पीछे लगना पड़ता है, कि बाहर आएगा नहीं, अपने आप को उसने एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। तो वो जब लेके आया तो भाई मैंने बोला, फिर आपने उसको लाया तो भाई 6 महीने क्या किया? बोले 6 महीने में उसका इंतजार करते रहे कि कभी ना कभी निकलेगा बाहर, कभी ना कभी आएगा, कोऑपरेट करेगा, मगर आज उसको हमने जबरदस्ती लाया। जबरदस्ती लाया कि भाई उसका वजन कम हो रहा है, अपने आप का ख्याल नहीं रख रहा है, बार बार कुछ तो भी ऐसे हाथ करते रहता है, कुछ कभी ऐसा लगता है कि बातचीत कर रहा है किसके साथ में, कभी रोते रहता है। और वैसा देखा जाए कोई आ गया तो बातचीत बराबर कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कोई पागल दिख रहा है या पागल जैसा बर्ताव करेगा, मगर लगता है कि नॉर्मल नहीं। अब हुआ क्या 6 महीने पहले? तो 6 महीने पहले उसकी एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, उसके साथ में पिछले 3 साल से उसका रिलेशनशिप था, और 3 साल के रिलेशनशिप में उसको एक दिन ये मालूम पड़ा कि ये जो लड़की है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो और किसके साथ में लगी हुई है उसका, और मतलब उसने जब मैसेज देखा तो मैसेज में उसको मालूम पड़ा, उसका जब फोन देखा तो मैसेज में मालूम पड़ा, व्हाट्सएप मैसेज में, कि और किसके तो भी मैसेज उसको आ रहे हैं, इसके हाथ में गलती से फोन लग गया उसका। तो क्या होता है कि पहले अविश्वास रहता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अविश्वास रहता ही है कि भाई और कहीं इसका चालू है क्या। और उसने जो उसके हाथ में जब फोन आ गया और वो कहीं तो भी चली गई थी, उसमें उसने देख लिया तो मालूम पड़ा कि अरे इसको और भी मैसेजेस चालू है। फिर उसने और उसको जरा गहराई से देखा तो मालूम पड़ा कि और उसका चक्कर कहीं तो भी चल रहा है। तो फिर उसके पूरे लाइट लग गए कि पिछले 3 महीने से ये अपना फोन नहीं टाइम पे उठा रही, काफी बार इसका फोन एंगेज आते रहता है। पहले जो हाँ में हाँ मिलाती थी, अच्छा बर्ताव करती थी, अच्छा व्यवहार करती थी, अभी अपोज करती रहती है। और ये बाहर से मतलब ठीक चल रहा है ऐसा लगता है, अंदर से कुछ तो भी गड़बड़ है ऐसा। उसको भी पीछे मुड़ के अभी जब देखा तो उसको लगा कि गड़बड़ अभी मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पिछले 3 महीने से। और फिर उसने उसको कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करने के बाद में उसने कुछ नहीं ऐसा बोला कि वो मेरे भाई का दोस्त है ऐसा है। फिर बाद में उसने बोला कि हाँ उसके साथ में भी मैं जाती हूँ, घूमते रहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बहुत सुनता है और मुझे भी प्यार करता है, मैंने बहुत नहीं बोला तभी भी वो फलाना ढमाका ढिकरा कुछ चालू हो गया उसका। तो इसको एकदम बहुत चोट बैठ गई कि नहीं अपनी नहीं रही अभी, ये और किसी की हो गई। और तब से वो एकदम ही घर में अपने आप को उसने बंद कर दिया, बाहर आना नहीं जाना नहीं, वो लड़की को ब्लॉक कर दिया। फिर एक दो बार देखा तो पिताजी ने भी अकेला बैठा हुआ है, सुसाइड की भी कोशिश उसने किया था। तो भी उनको लगा करना क्या है भाई। मैंने बोला कि भाई इसको काउंसिलिंग करने के लिए लायक ही नहीं है, बातचीत ही नहीं करता, मतलब कोई पागलपन नहीं दिख रहा है, मगर वो अपने आप में रहता है, अकेलेपन में रहता है, कभी हाथ इधर उधर करते रहता है, ऐसा लगता है कि बातचीत कर रहा है मगर बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। सुसाइडल भी आइडिएशन है, तो पता नहीं ड्रग्स कितना मतलब मेडिसिन कितने काम करेंगे, काउंसिलिंग पता नहीं कैसे, काउंसिलिंग से कितना फ़ायदा होगा। मतलब भाई अपन इसका शॉक ट्रीटमेंट ही करेंगे, क्योंकि शॉक ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। 6 महीने से इसका वजन भी कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा और ख़तरा होने से अपन शॉक ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि गोली बोले वो लेंगे ही नहीं, हमने कोई कोशिश किया था गोली लेने के लिए, गोली लेने को ना बोलता है, मैं चलो उसका शॉक ट्रीटमेंट देंगे। फिर उसको हमने शॉक ट्रीटमेंट के लिए हमने उसको लिया। जब शॉक देते हैं तो शॉक में ये देखिए, उसको यहाँ हम ऐसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ शॉक कैसे होता है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रोड यहाँ हम लगाते रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, ये शॉक की मशीन है, ये देखिए ये पूरी मशीन शॉक की है। ये पेशेंट को पूरा सुलाते हैं और सुलाने के बाद में उसको एनेस्थेशिया देते हैं, एनेस्थेटिक रहता है, उसको एनेस्थेशिया देते हैं। और एनेस्थेशिया देने के बाद में जब वो एनेस्थेटाइज हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, तो उसको करंट अच्छा जाने के लिए यहाँ जेली लगाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जेली लगाते हैं दोनों तरफ, वो इलेक्ट्रोड यहाँ रखते हैं, और जो मशीन है इसमें सब ऑटोमेटिक है ना, तो 0.7 mA का शॉक है, वो बटन दबा देते तो उतना शॉक इधर से इधर जाता है, इतना करंट, और उसको झटके आते हैं। झटके बहुत ज़्यादा नहीं आने को ना करके स्कोलिन, मतलब सक्सिनिल कोलिन हाइड्रोक्लोराइड करके एक दवाई रहती है, तो वो उसको हम देते हैं ताकि उसको झटके बहुत आते नहीं हैं, आए तो बहुत थोड़े मामूली से आते हैं। और उसको फिर थोड़ी देर के बाद में वेंटिलेशन देना पड़ता है, श्वास बाहर से देना पड़ती है उसको, श्वास, क्योंकि श्वास बंद कर देते हैं ना जब स्कोलिन देते हैं।
तो ये देखिए उसको हम ये शॉक दे रहे, और उसके बाद में वो धीरे धीरे नॉर्मल श्वास लेना चालू कर देता है। अब जब नॉर्मल श्वास लेना चालू कर देता है तो बाद में उसको बाहर ले जाते, और एक 10-15 मिनट के बाद में वो होश में आ जाता है। तो उसको ऐसे हमने 6 लाइट दिए, धीरे 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 अच्छा होते गए। 6 में तो पूरा ही अच्छा हो गया, वो कम्प्लीटली नॉर्मल। और बोले मेरे को याद ही नहीं 6 महीने कैसे गया, तो कुछ बात ही नहीं कर रहा हो, 6 महीने उसको भूल गया, पूरे ऐसा भूल गया वो 6 महीने। तो धीरे धीरे मैंने आ जाएगा उसको विश्वास कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, और ये याददाश्त उसको वापस आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसको याद थी, बाकी लैट्रिन बाथरूम करना वो बाकी अच्छा कर रहा था, सिर्फ वो 6 महीने उसने जो बिताया उसको याद नहीं आ रहे थे। मतलब ठीक है, अभी देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है और कुछ काम पड़ा तो देने पड़ेंगे। उसको मेडिसिन हमने लिख के दिया, और मेडिसिन लिख के देके उसको बोलने वाला कि अभी भी आप आइए और हम देखते हैं फिर फॉलोअप में क्या होता है। तो फॉलोअप में भी वो अच्छा रहा, उसने बोला कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, उसको मुझे फेस करना पड़ेगा, और अभी मैं मेरे जीवन के नए सिरे से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है। आज तो ऐसा हो गया कि 9th-10th स्टैंडर्ड में लड़के लड़कियाँ हैं, और वो आपस में प्यार करते हैं, अफेयर करते रहते हैं, मोबाइल नहीं दिया तो घर में बहुत परेशान माँ बाप को करते रहते, मोबाइल दिया तो मोबाइल के ऊपर खेलते रहते हैं, और आपस में उनका प्यार होते रहता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाएगा कि ये भी ऐसा होते रहता है, और इससे बचने के लिए अवेयरनेस होना जरूरी है। ये मोबाइल आप ये वीडियो आप शेयर करेंगे, लोगों को जानकारी होंगी। वीडियो देखने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।